नमस्कार दोस्तों, आज 10 जून 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला। मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं आज के, क्या कुछ बाजार हैं। भाई साहब के पास ये हिमाचल वाले लहसुन है जिनको खिर्री बोलते हैं, मोटे वाले लहसुन। MP वाले राजस्थान के शर्मा जी तो लहसुन बेच के फ्री हो गए। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला, कहाँ कहाँ के माल है आज की, क्या पोजीशन है जी। ये जो पंजाब वाले लहसुन भी आए और ये आए जो पंजाब का जवाब है। सर जी नमस्कार जी। राम जी कैसे हैं? राम राम जी। बाबू जी, बाबू जी आज की क्या पोजीशन जी, कितनी गाड़ियाँ आई मंडी में, कहाँ कहाँ के माल है जी, अपने पास कहाँ का आया था जी? और भाई आज पंजाब आया था जी। सिर्फ पंजाब है अपने पास आज? पंजाब आया था 100 इकट्ठा। अच्छा जी, और बाकी हिमाचल आया नहीं था। आज मंडी में 20-22 गाड़ी है। 20-22 गाड़ियाँ हैं? हाँ, मंडी में आज प्रेशर ज़्यादा है। 2 गाड़ी पंजाब थी, 12 गाड़ी तकरीबन हिमाचल है। वो छोटी पिक पे हैं? सब पिकअप हो गई, ये इन्हीं को गाड़ियाँ कहते हैं आजकल। अच्छा जी। हाँ, तो ऐसे कह के 22 गाड़ी है। जो MP है 3 गाड़ी है। तो इसमें जी एक चीज़ वो हो रही है, लोग घबरा रहे हैं अब आपके देख के। देखो पहले भी मैंने बोला था, अगर आप लोग ना हमारे यहाँ क्या है, 2 मिनट में भूल जाते हैं हम हिंदुस्तानी, 2 मिनट में अपना गम भी भूल जाते हैं। हाँ जी, खुशी भी भूल जाते हैं। अगला पल कुछ भी आ रहा हो, अगर आज हम खुश हैं, अगला पल दुख आ गया हम उस खुशी को भूल जाएंगे। आज हम दुखी हैं, थोड़ी सी खुशी आ गया वो दुख भूल जाएंगे। अच्छा जी, मैंने पीछे भी कहा था कि ये टाइम है अपना माल बेचने का। अच्छा जी, अगर आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हो, मैंने पीछे कहा था कि ये टाइम जिन्होंने स्टॉक किया है वो उसमें अपना आधा आधा माल निकाल लें। हाँ जी, ये निकालने का टाइम है। कोई अभी निकालना चाहे, कोई 10 दिन बाद निकालना चाहे, कोई इतनी हाई तो बानी कि सादा भी निकाल लो। अच्छा, धीरे धीरे करके आप अपना प्रॉफिट अंदर कर सकते। हाँ जी, तो भाई साहब जब लोग निकालेंगे ऑब्वियसली बात है मार्केटों में प्रेशर आएगा। इस प्रेशर के आने से कोई घबरा जाए तो नहीं घबराइए आप। हाँ जी, आगे और टाइम पड़ा, बहुत टाइम है हमारे पास। ये अप डाउन, कभी पैसे का डाउन आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी सेल का प्रेशर आएगा। हाँ जी, तो ये अप डाउन चलते रहेंगे। अच्छा, आप 100 रुपये तक पहुँच गए, 300 रुपये से चालू हुए और 100 तक पहुँच गए। अभी भी लोग ये है कि यार पैसे नहीं बनते, या 30 रुपये किलो का माल लिया हुआ है, 100 रुपये तक आ गए हो, या 40 का 50 रुपये का माल लिया तो 100 आ गए। हाँ जी, डबल तो ही रहा ना। हाँ जी, हाँ जी, और भगवान को नीचे बुलाओगे क्या? अगर आप कह रहे हैं कि 150 भी हो तो उसके लिए वेट तो करनी पड़ेगी, लेकिन रिस्क कम उठाओ, अपना आधा मुनाफा वसूल नहीं कर लो, आधे को अपने रिस्क पे छोड़ो। अच्छा जी, बिल्कुल। और ऐसे ही मेरे को कल पंजाब से बहुत फ़ोन आए, कल श्रीनगर से बहुत फ़ोन आए। हाँ जी, धन्यवाद दे रहे थे आपको। अच्छा, दुआएं दे रहे थे राणा जी आपको बहुत। आपको जी मेरा क्या जी, मेरा तो काम वीडियो बनाना, बोलना तो आपका है। बहुत दुआएं दे रहे थे। अच्छा, कि जी उनको धन्यवाद देना। हाँ जी, कि कम से कम हमारे लिए भी सोचा। हाँ जी, हमारे को उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बारे में भी सोचते हैं। अच्छा जी, तो भाई साहब बात वो नहीं है कि वो श्रीनगर में है तो हिंदुस्तान के अंदर ही। हाँ जी, तो हिंदुस्तान में जो भी है वो अपना आदमी है। हाँ जी, हिंदुस्तान के बाहर वाले भी अपने भाई, अफगानिस्तान भी आपके इंटरव्यूज देखे जा रहे हैं। हाँ जी, उधर खड़े अफगानिस्तान के आगे वाले भी आपके इंटरव्यू देख रहे हैं। हाँ जी, वाले बाहर वाले कई लोग देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू। हमारे को किसी से वो नहीं, हमें व्यापारी आदमी भाई साहब। हाँ जी, हमारा व्यापार है लहसुन, लहसुन के भले में, लहसुन के समाज के भले में कुछ भी होगा तो हम बोलेंगे। अच्छा जी, लहसुन का समाज अपना परिवार है, वो व्यापारी हो, ग्राहक हो, आड़ती हो, कोई हो, हमारा अपना आदमी है। हाँ जी, तो इसलिए कोई वो नहीं है कि मैं कोई वहाँ का या कोई कहाँ का है तो हम उठा के उसके बारे में ना बोले। हाँ जी, अगर वो श्रीनगर के हैं, वहाँ कटिंग हो रही थी तो मैंने बोला। ठीक है जी, 60-65 रुपये बिकेंगे माल, आप बिना बेचक आइए और कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली बिकेगा आपका 60-65। अच्छा, आपका वहाँ 60-65 बिकता तो बेचिए। कल वो जयप्रकाश जी आए थे करनाल में, उनका आज कॉल आया कि भाई साहब मेरा सारा फार्मी लहसुन सब बिक गया। अच्छा जी, 1000 रुपये किलो में सारा बिक गया, 1000 रुपये किलो में। चल, जो कल यहाँ 250 रुपये 250 रुपये बोल रहे थे आपके वीडियो की मार्फत, दुनिया ने उनको देखा, पहुँची, 1000 रुपये किलो में बयाना दे दिया। वाह जी वाह जी, तो कह रहे हरियाणा की ना बहुत एक बहुत बढ़िया मिठाई होती है हरियाणा ही बर्फी। हाँ जी, तो कह रहे राणा जी के लिए आपके लिए लेके आऊँगा। फिर दीजिए, हमारे ऊकम सिंह पे भी 6 किले लग रहे, जो ऊकम सिंह जी आए थे उन्होंने 6 किले लगा रखे जी। हाँ
मैं यही बता रहा हूँ कि अच्छा जी घबरा के नहीं बेचो कुछ। अच्छा जी, मैंने कल भी यही बात बोली थी, हो सकता है दिल्ली में ना बिक रहा हो, आपके वहाँ के भाव बिक रहा है, 1000 का बिक रहा है, 800 का बिक रहा है, बेच दो। नहीं, उसने तो पिछले साल भी बीच में बेच दिया था। अब आए थे मेरे गांव के, आए थे उकम सिंह जी, 6 किले लगाए जी उसने फार्म में, फिर तो समझ लो चांस ले जाएगा। फिर बाबू जी क्या, ये जयप्रकाश जी जो थे कल आए, ये तो समझ लो इन्हें कोई पुराने टाइम में दूढ़े में लकड़ी गेरी होगी। देखो जी बुढ़ापे के अंदर ये बुढ़ापा लिया जी, इस उम्र में ससुराल वाले कहाँ पूछते हैं, और इनको जो है पिछले साल इनके ससुराल की तरफ से 2500 रुपये किलो का बीज फ्री में मिला, और अब इनका लहसुन जो है 4 कट्टे यहाँ 250 रुपये बिके, और आज सारे का सारा जो है इनका 1000 रुपये किलो बिक गया जी। 4 कट्टे 250 बिके नहीं। हाँ जी, 250 में हम बोल देते अभी बिका नहीं था। अच्छा जी, तो उनको उन्होंने कहा कि ये जो बिकेगा आप चले जाओ, क्या करोगे। अच्छा, चनिया बिक गया था उनका। अच्छा जी, वो छोड़ के चले गए थे कि अगले दिन कल बेच के मेरे को बता देना। अच्छा जी, पेमेंट अकाउंट में डाल देना। अच्छा, मैं ठीक है जी। अब क्या होता है, आज सुबह फोन आता है जी, मैं माल पड़ा है ना, मैं कहाँ पड़ा है जी, कह रोक लेना देना नहीं। अच्छा, मेरे पे जितना माल था 1000 रुपये में बिक गया। वो तो यानी कोई दूढ़े में लकड़ी गेरी होगी जी। मैंने कहा जी क्या हुआ, कैसे बिक गया? हाँ जी, 1000 रुपये किलो। कहे जी कल इंटरव्यू के बाद मेरे को कई फोन आने चालू हुए। अच्छा जी, आसपास के इलाकों जो मेरे को जानते थे, उनको जो जानते थे, फोन नंबर तो दिए नहीं थे उन्होंने, कल उसका फोन नंबर लेना भूल गया जी। हाँ जी, तो उसके अलावा ही उसको जो उसके जान पहचान वाले थे उन्होंने धड़ाधड़ कॉल कर दिया, और 1000 रुपये में बोल उस बंदे का सौदा। अच्छा, चंगिया भी सारा बिक गया। अच्छा जी, तो तगड़ी किस्मत जी जी उनकी। तो फिर बाबू जी है जी उम्मीद, यू क्या सिस्टम है जी, कल 250 रुपये, 1000 रुपया, कल 3000 हो जाएगा जी। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, कोई बाहर की डिमांड नहीं है अभी, ये वो लोग कर रहे हैं 200 से 500, 1000, 1500, वो लोग बोल रहे हैं। हाँ जी, जिन्होंने पिछले साल मुनाफे खाए थे। अच्छा जी, अब पैसा तो बड़ा ही है ना। हाँ जी, किसी भाव ले लेंगे, 1000 रुपये जाएगा नहीं ये माल, अभी जो बिक रहा है बिक रहा होगा। अच्छा जी, जितने लोगों ने अभी कमाना है कमा लो, खेतों में बिक रहा है बेच लो 1000 रुपये। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप सोचो कि रुक के 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। अच्छा जी, नहीं जाएगा इसमें। अच्छा जी, अगर आपके खेतों में इस भाव बिक रहा है, मैं अगर 1000 नहीं बिक रहा, 800 700 बेचते चलो। अच्छा जी, इस भाव में रोको नहीं। अच्छा जी, मेरे को कोई लालच नहीं है अपना कि मैं कहूँ जी 1000 रुपये की कमीशन ही इतनी मोटी बनती है, आप यहीं ले आओ। हाँ जी, लेकिन सर अगर आपका बिकता है तो आप बेचो। अच्छा जी, आप रोकना नहीं। फिर जो मेरे गाँव वाला है जी उकम सिंह, उसके लिए भी यही संदेश था जी। बिल्कुल, अगर आपका गांव में 800 700 1000 रुपये का बिकता भेज दो। अच्छा जी, बाकी बाद में देख लेना। अच्छा, फिर बंदा मिले फिर ले लेना। ठीक है जी, पर चलो इनकी तो किस्मत बदल गई जी आज की तरीक में। वो क्या है तो है, राणा जी के लिए आपके लिए हरियाणवी बर्फी लाऊंगा। अच्छा, की बहुत मशहूर है जी। नहीं, इस उम्र में आके ससुराल में से 2500 रुपये किलो का बीज, उन्होंने 2500 थोड़ी ना दिया, 2500 रुपये किलो का बीज नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने उनको कम से कम 15 लाख रुपये गिफ्ट दिए। अच्छा जी, 15 लाख का माल होगा जो उनका था, अगर 1000 रुपये बिक गया। हाँ जी, 15-20 लाख का माल हो गया। हाँ जी, हाँ जी, उनको तो 15-20 लाख रुपये मिले ना भाई साहब। ये भी बात है जी, और साथ में अगले साल के लिए बीज बच गया जी। बीज भी उन्होंने रख लिया। हाँ जी, आज के पंजाब के कैसे रेट रहे जी? पंजाब बढ़िया। हाँ जी, ये सब पंजाब के किसान है जी। अच्छा जी, तो कितने गए हो? हाँ जी, आओ। अच्छा जी, ये सारे पंजाब वाले हैं? ये सब पंजाब के किसान हैं जी। अच्छा जी, पहली बार मेरी दुकान पे आए थे। अच्छा जी, हमारी वीडियो देख के पहली बार आए? पहली बार आए। अच्छा जी, इससे पहले दिल्ली में भी बेचते थे कि बाहर कहीं? अच्छा जी, अच्छा, दिल्ली में दूसरी दुकानों पे आते थे, पहली बार हमारी दुकान पे आए हैं। तो भाई साहब संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, सही बिका आप लोग? बढ़िया बिका, बढ़िया। अच्छा जी, मैं पहले अपना तो बता दूं भाई, पप्पू पास हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा जी, अच्छा, तो क्या नाम है जी अपना? जी परमजीत सिंह जी। तो आप भी किसान है जी? है नहीं जी, आप गाड़ी वाले हैं? अच्छा, गड्डी वाले हैं जी आप? ठीक 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 ठीक, तो आप वहाँ से अपनी गाड़ी हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी गाड़ी है छोटी जी? एक पिकअप है, एक कैंटर भी है। अच्छा जी, तो ये किसानों का माल लेके आते? किसानों का माल ले आते हैं। तो भाई साहब इसमें अगर किसी और लोगों को, जैसे जानते हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने आपको फोन किया, जो नहीं जानते उसी इलाके के? हाँ जी, हाँ जी, वो लोग आपको कॉन्टेक्ट करना चाहें तो आप वहाँ से माल उठा लेंगे? उठा लेंगे, उठा लेंगे। और जो उनका साथ बैठा के भी जाएंगे? नहीं नहीं, माल उठा के जाएंगे, साथ बैठा के भी जाएंगे, बताओ ना। हमें 2 कट्टे क्यों ना हुए, ऐसी तभी ठाल के ले आएंगे, उनको लेके भी आ, लेके भी आएंगे, बस यही पूछना। बिकवा के उनको छोड़ भी दोगे? छोड़ भी देंगे, छोड़ भी। हाँ जी, तो अगर आपको फोन करे तो आप वहाँ पे चले जाएंगे? चले जाएंगे। तो भाई साहब अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपना फोन नंबर जो? मेरा नाम है परमजीत सिंह जी।
पिंड मेरा आड़मक है जलालाबाद। अच्छा, फाजिलका जिला पंजाब में जी। पंजाब में। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, एक गड्डी पिकअप है, एक कैंटर है। हाँ जी, नंबर मेरा है 9781567847। अच्छा जी, परमजीत नाम है मेरा। ठीक है, नंबर दोबारा फिर बोल दें, 9781567847। जिस वीर ने लसन लेना हो साढ़े नाल इस नंबर पर कनैक्ट करे जो मर्जी। अच्छा जी, तो सर जी आज के क्या रेट रहे जी पंजाब के? जी पंजाब पैसा यहाँ पे बिका है, जो गोलियाँ थी वो बिकी 50 से लेके 60 रुपये। अच्छा जी, 65 तक बिकी है आपकी गोलियाँ। आपने इसे देखा, पहली बार में 96 बोला था, दूसरी बार में 97 नंबर बोला। मैंने 97 बोला दोनों बार। ठीक है जी, क्या मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, क्या नंबर है जी? 97 97 815 815 76 847 847। ठीक है, ये आप आराम से इसको लिख लेना क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार आए। ठीक है, सादे आज के नंबर किसी के नहीं। क्या रेट रहे जी पंजाब के जी? मतलब 50 से लेके 65 रुपए तक गोलियाँ बिकी क्वालिटी के हिसाब से। 50 से 65। अच्छा जी, मैं मोटी गोली थी वो 60-65 बिकी, छोटी गोलियाँ 50 से 55 बिकी। अच्छा जी, बीच के माल बिके जी 70 रुपए से लेके 80। अच्छा जी, मोटे माल बिके 90-100 रुपए तक बिके, और अगर बहुत बढ़िया मोटा होता है, इतना मोटा आया भी नहीं था। हाँ जी, और मोटा होता है 110-120 तक चला जाता। पंजाब ये कौन सी तेजी आई है अब? ये वही तेजी है जो 20 दिन पहले मैं बोल रहा था आएगी। अच्छा जी, अगर याद हो आपको, आज 22 गाड़ी है और उसके बाद ये भाव खुले हैं। अच्छा जी, MP के जो माल में बोलता था, जो मेरे पीछे वो गुलाबी जाली लगी थी और वो ये नीली जाली। हाँ जी, आज अगर फ्रेश माल आते हैं। हाँ जी, तो ये माल 100-110 का भाव समझिएगा दिल्ली में। अच्छा जी जी, मोटे माल, एक्स्ट्रा मोटे माल 100-110 है। हाँ जी, लड्डू माल जो हम 60-65 रुपए बेच रहे थे वो जस्ट यहाँ पे 75-80 के भाव है। अच्छा जी, इसीलिए मैं बार बार हिमाचल वालों को बोल रहा था कि आप टेंशन नहीं करो, लहसुन आपका 150 बिकेगा। और आपकी दुकान पे उधर वो जमा सा पड़ा हिमाचल का वो सड़ो ऐसा 55-60 रुपए। पचपन साठ रुपए आगे बहुत बढ़िया दांत है, जैसे ये दांत है। अच्छा, ये हिमाचल है जी? हाँ, ये कब का है जी? कल का है, ये कल गाड़ी आई थी। अच्छा, 70-75 रुपए दांत है। ये बिक रहे हैं, बिकने रह रहे जी? नहीं, बिक रहा है वो 80 बोल रहा है। अच्छा जी, ग्राहक 70 मांग रहा है। अच्छा, ये दांतरा है जी? हाँ। अच्छा जी, अच्छा, दांतरा इसको बोलते हैं जिसकी पत्ती उतर गई। अच्छा जी, हाँ, खिला जो पंजाब के बढ़िया माल जी, सफेद पंजाब के नहीं, नहीं हिमाचल के जो बढ़िया मोटे माल सफेद, वो जो सब 120 क्रॉस। अच्छा, जो मोटे मो माल और रंग जामनी है लाल, वो 100 रुपए की रेंज। अच्छा, 100-110। अच्छा, मतलब कि मोटे माल सब 100 से लेके 120 की पोजीशन पे आ चुके। अरे बाबू जी, इनको बंद कर बंद दे, कभी एक कभी दूसरा कभी जान एक, खा रखी है आपने, देख वो अगला फिर बच गया, जान आपने ले रखी है मेरी, मजाक आप कर रहे हो, अपना अपने नंबर भी दिया करो आप। मैं तो रखता नहीं ना जी फोन नंबर, मेरे फोन ही नहीं रखता जी, क्या करूँ मैं, हाल खराब कर रखा आपने, मेरे पास फोन ही नहीं है जी, क्या करें जी। तो आज की जी और जो राजस्थान की बात करें जी, सब राजस्थान हो या MP हो, मोटे माल आप 100-110 समझ के चले, लड्डू मोटे लड्डू 80 रुपये, छोटा लड्डू 70, गोली जो इनके वो आते थे अगर याद हो, वो मनीष भाई है हमारे। हाँ जी, जिनकी गुलाबी जालियाँ आती थी। हाँ, उनका डबल ए आता था जो हम 40-42 बेचते थे सीहोर वाले, वो हाँ, वो आज 60 रुपये का भाव है उसकी गोली का। अच्छा जी, और मोटा माल जो है उसका जो लाडवा है मोटा। हाँ, लाडवा वो 80 और मोटा माल 100। अच्छा जी, मनीष भाई सुन रहे हो तो ये रेट उनके हैं अभी। अच्छा जी, क्योंकि आजकल बात बात नहीं करते फ़ोन पे वो। अच्छा जी भाई, नोट कमा दिया, लाख लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये गाड़ी में मिल रहा है। अच्छा जी, तो आजकल वो गरीब आदमियों से बात नहीं करते। अच्छा, तो मैं क्या आपके थ्रू उनको संदेशों को छोड़ा। अच्छा जी, जी चलिए जी, और ये दोबारा आ रहा जी मार्केट में बीज के लिए, रियावन वगैरह आएगा? आएगा सर, सब आएगा, और बिल्कुल पैनिक नहीं हो, बीज के लिए आएगा। हाँ, UP वालों का मैसेज था, बहुत मैसेज आए हैं कि हमारे को कौन सा बीज लगाना चाहिए, गुजरात वालों के मैसेज आए कौन सा बीज लगाना चाहिए, आप रियावन लगाएं, अमलेटा लगाएं, MP या राजस्थान के अपने कोई भी जान पहचान के किसान हो उनसे उन बीज ले लें। ये वहाँ जाके ले आए जी? वहाँ जाके ले आओ या उनसे मंगवा लो, अगर जान पहचान वाले मंगवा लो, नहीं तो वहाँ चले जाओ ले आओ। ठीक है जी, आप वहाँ का बीज अपनी मिट्टियों में लगाओ, अपने खेतों में लगाओ, आप लोग इस चीज़ का फर्क देखेंगे। गुजरात और MP वालों? UP। गुजरात और UP वालों? हाँ, जो UP वाले अपने इतनी बड़ी ज़मीनें छोड़ के खाना बदोशों की तरह दूसरे राज्यों में जाके धंधा कर रहे हैं या अपने आप को शिफ्ट कर गए। हाँ जी साहब, आपको इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बीज बदलवाने थे। अच्छा जी, आपको अपने इलाके में इतनी बड़ी कमाई होती, अभी भी टाइम है,
आप लोग बीज बदल दीजिए, जो बदलेगा वो याद करेगा। जिसका उदाहरण सीधा सीधा हाथरस वाले भाई साहब है, हाँ जी, जो आए थे, जिनका आपने डब्बों में देखा कितना बढ़िया माल था। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग बीज बदलो। अच्छा जी, उसके रिजल्ट दिखेंगे आप लोग। भाऊ जी, आपने लगातार किसानों के लिए बोला, व्यापारियों के लिए भी बोला, ठीक है जी। किसानों का तो हो गया जी, सब लोग 35-40 से 50 से बेचना शुरू करे थे, 100 और 100 क्रॉस हो गए, 100 क्रॉस हो गए। कोई अब व्यापारियों के लिए भी कोई मैसेज दो ना जी, जो स्टॉक करना चाहते हैं, जिन्होंने करवाया उनके लिए भी इनका भी कुछ करवा दो समाधान। सर, व्यापारी तो सब बल्ले बल्ले हो रखी है। अच्छा जी, आज व्यापारी सब इतना सक्षम हो गया, हमारे जैसों को नौकरी पे रख लेंगे वो। अच्छा जी, जितना भी व्यापारी बढ़ गए वो हमारे जैसों को नौकरी पे रख लेंगे। जो इससे वंचित रह गए जी, जो पैसे की कमी के कारण उस समय स्टॉक नहीं कर पाए, अब क्या सोच रहे वो भी, अब करें या नहीं करें? कल भी कमेंट आ रहे थे, बहुत आ रहे हैं जी। देखो, मेरे को भी कल फोन आया है कि हम करेंगे नहीं करेंगे। भाई साहब, अभी आप कहते हैं तो इसका परसेंटेज है 70, प्रॉफिट का मार्जिन है 30%। अच्छा जी, अगर आज से सिर्फ महीना पहले कहते थे तो रिस्क का मार्जिन 30% था, प्रॉफिट का मार्जिन 70% है। अच्छा जी, हालांकि अभी भी पैसे कमाओगे आप कहते हो, लेकिन एवरेज ये समझ के चलना। अच्छा जी, कि 100 रुपये का माल लेते हैं तो 70% चांस है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 घाटा हो जाएगा। हाँ जी, 30% चांस है मुनाफा होगा। अच्छा जी, ये नहीं सोचना 100 रुपये में से 70 रुपये निकल जाएंगे, 30 रुपये बचेंगे। हाँ जी, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, वो 70% रिस्क वाला फैक्टर है। हाँ जी, और प्रॉफिट लॉस ऑफ मार्जिन वो 30-70 के। अच्छा जी, अच्छा कुछ खबरें ऐसे सुनने का जी, मार्केट में थोड़ी सी मंदी आई लहसुन की। सर, ये 2-4 रुपये की इन रेटों में जाके 2-4-5 रुपये की फ्लक्चुएशन, कोई मंदी नहीं होती, ये कोई पैनिक नहीं हो। अच्छा जी, ये पैसे की मंदी होती है। आज मेरा मन है खरीदने का, पैसे हैं नहीं, मैं मंडी में नहीं गया। अब मेरे वो पैसे परसों आ जाते हैं तो मैं फिर मंडी में जाके धूम मचा दूंगा। अच्छा, ये 2-4 रुपये अप डाउन होते रहेंगे। अच्छा, इसमें आप पैनिक नहीं होना। सुना कि कुछ कोटे की मंडियां या दूसरी मंडियां हैं नीमच वगैरह, 5-4 रुपये टूटे कल में। सर, राजस्थान की 3 मंडियों में से सिर्फ 1 मंडी में पैसा डाउन था। अच्छा, बाकी मंडियों में समान थी। MP में टाइट था, 2-2, 3-3। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैसे की मंदी है, इससे घबराइए नहीं। और कुछ एक मंदी बनाई भी जाएगी, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी बनाएंगे भी। अच्छा जी, जैसे कश्मीर 30-35 में 40 में खरीदे थे, अब उनको दिक्कत आ गई, 60-65 से कोई कम नहीं बोल रहा। हाँ जी, भले मेरे को आपको दुआएं मिल रही हो, हो सकता है कोई भूल चूक में मिठाई भी पहुंचा देगा आपको या मेरे को। हाँ जी, लेकिन दुश्मनी पूरी मिल रही है, ये ध्यान रखना। मैं इस टाइम फर्स्ट टारगेट पे हूँ कि खुदाना को साले को कैसे मार दो। सबका व्यापार खराब कर रहा है। हाँ जी, है ना जी, हम तो फिर भी बिना घबराए हक में बोल रहे हैं। ना तो मैं किसानों के हक में बोल रहा हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ना मैं किसानों के हक में बोल रहा हूँ, ना मैं व्यापारियों के हक में बोल रहा हूँ, ना मैं आढ़तियों के हक में बोल रहा हूँ। मेरे को जो ज्ञान मिला है, मैं लहसुन की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ, लहसुन से आप कमाएंगे तो लहसुन को वो धुतकार नहीं मिलेगा जो पिछले साल आप लोगों ने दिया। अच्छा जी, लहसुन को जितना धुतकार पिछले साल मिला ना, ऐसा बहुत सालों बाद मिलता है। अच्छा, आपने जला दिया, फेंक दिया, कस्में खाई, हम लहसुन नहीं बोएंगे। हाँ जी, तो साहब वो कस्में खाने वाले आज लहसुन बोएंगे। अच्छा, आज वो इसी को एक एक दाने को संभालने हैं, जहाँ वो 2-2 टन उठा के फेंक देते। अच्छा जी, बस मेरा मकसद ये था, जो कि मैं वो अचीवमेंट पूरी कर ली। ये इन व्यापारियों को ये भी बोलना चाहिए, जहाँ पर इनके टच में जोन से ऐसे गाँव है जहाँ पर बढ़िया बीज ना है, यूपी में, गुजरात में, इनको अच्छे बीज देने चाहिए, व्यापारियों को पहुँचाने चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। सर, जितना आप दोगे उतना आपका तो फायदा हो गई, फ्री में तो दोगे नहीं आप। हाँ जी, आप 100 रुपये किलो लहसुन बेच रहे हो, समझो आप। हाँ जी, बीज के लिए आप 120 दे दो तो 20 रुपये किलो तो आपको खड़े खड़े घर में मिल रहा है। हाँ जी, आप बेचो ना। तो बीज के लिए देंगे जहाँ पर, हो सकता है अगले साल आने वाले दिनों में वहाँ से इनको खरीदने को लहसुन भी मिलेगा जी। सर, आपके मटके में पानी होगा तो मैं भी तभी तो पी पाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको मटका ही नहीं खरीदने दूँ, मैं को मेरे ही मटके में पानी रहना चाहिए। व्यापारियों को भी ये देखना चाहिए, अभी बढ़िया बीज लगवाए। व्यापारियों को, किसानों को जागरूक करना चाहिए। अच्छा जी, देखो, आढ़ती, व्यापारी और किसान, ये हम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। मैं सोचूं मैं सिर्फ किसान किसान बोलता हूँ, व्यापारी नहीं बोलूँ, मैं कभी सक्षम नहीं हो पाऊँगा। मेरी जो दुकान का व्यापार है वो व्यापारी चला रहे हैं।
अच्छा जी, लेकिन मैं सोचूं सिर्फ व्यापारी व्यापारी करो, किसान ना करो, किसान मरेगा तो व्यापारी कहाँ से जिंदा रहेगा और मैं कहाँ से जिंदा रहूँगा। अच्छा जी, हम तीनों एक ही चैनल है तो हम तीनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी हम बचेंगे। व्यापारी जगह जगह चप्पे चप्पे से वाकफ होता है, हाँ जी, किसान सिर्फ अपने इलाके से वाकफ होता है, एमपी का किसान एमपी से वाकफ है, थोड़ा बहुत जागरूक होगा और दूसरे राज्यों से वाकफ होगा, 90% किसान अपने ही राज्य से वाकफ होता है बस। अच्छा जी, व्यापारी एक ऐसा होता है जो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर सब जगह से वाकफ होता है। आपको अगर भगवान ने क्षमता दी है, अभी तक आप जिंदा हैं, हाँ जी, अभी तक आप व्यापार कर रहे हैं, अभी तक आप कमा रहे हैं, अगर आपने कमाया लक्षण से ही कमाया ना, आपका धर्म बनता है, आप किसी भी धर्म के हो, आप अपनी किताबों में समझ लेना, पढ़ लेना, आपका धर्म बनता है आप उस भले को दूसरों की भलाई में लगाओ। अच्छा, कोई पैसा नहीं बांटना आपने, सिर्फ अपना ज्ञान बांटना कि भाई तेरे को बीज चाहिए मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। अच्छा जी, आपने कमाना उसमें कमाओ ना, क्या बुराई है, आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, हाँ जी, आप बीज वहाँ से ला के उनको दे दो, उसमें 10-20 रुपये जो आपने अपना मार्जिन रखना आप कमाओ। ठीक है, किसान को घर बैठे अगर बढ़िया बीज मिलता है तो वो थैंकफुल है आपके लिए, क्योंकि उसको अगर 20 किलो या 50 किलो बीज लेना है तो वो भाई साहब दूसरे राज्य से नहीं ला पाएगा, हाँ जी, हाँ, उसकी मजबूरी है, तो वो क्या करेगा कि आप वहाँ के उसी के गांव के हैं, उसी के इलाके के हैं, उसी के टच के हैं, आप कहते हैं भाई कोई टेंशन नहीं है बीज मैं ला के दूँगा, तो 100 की चीज़ अगर आप 130 में भी दोगे ना वो लेगा और धन्यवाद भी देगा। ठीक है जी, आप करो ना यार। धन्यवाद सर जी, बस सबसे बड़ी समस्या तो आज तो ये होगी, वह कॉल भी करेंगे आपको, पूछेंगे भी और चक्कर भी खाएंगे और सबसे बाहर रोटी भी पानी खाना छोड़ देंगे, आप तो भी 250 में बेचे या 1000 में बेचे, कहाँ आप तो मन ही नहीं टिकेगा जी, को कमाल की बात है जी, फार्मिंग ने सोचने पे मजबूर कर दिया जी, और उनको तो सारी रात नींद भी नहीं आएगी, सोचते सोचते भी क्या करें क्या ना करें सर, इसका गेम इतना उल्टा है। देखो आपको याद होगा सब बोल रहे थे भाव बताओ, हाँ जी, और मैं भाव नहीं बता रहा था, बेवकूफ़ थोड़ी ना जब मैं इतना बता सकता हूँ कि आने वाले 2 महीने में क्या होगा, और तो क्या नहीं बताया क्या होगा, खुद ही रोक लियो जो कह के 2000 रुपये बिकेगा मेरा, ऐसा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, अरे भाई साहब जो आदमी स्पेशल कार उठा के कहना से माल उठाने आ रहा है 4 कट्टे, तो आप यार 2-3 हज़ार रुपये लगा के माल 4 कट्टे उठाने आ रहा है, तो बिका होगा तभी आ रहा है। अच्छा, वो आदमी ऐसा गलत, भले वो पहली बार मेरे पास आए थे, चलो गलत आदमी नहीं है। क्या नाम था जी उनका फिर? जयप्रकाश कहना। जयप्रकाश, चलो जी उनको तो गिफ्ट मिल गया जी, गोड़ गिफ्ट मिल गया, आपको गिफ्ट देने आएंगे मिठाई। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी। चलो जी, हमारे इलाके वाले ऊकम सिंह के पास भी 6 किले हैं जी, अब देखो क्या रहेगा जी। अरे आप अपने इलाके वाले ऊकम सिंह की चिंता कर रहे हो, जो और राज्यों के, हाँ जी सर इंटरव्यू चल रहा था, माफी आपकी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट, हाँ जी, इस सब राज्यों में जिस जिस पे फार्मिंग पड़ा है, जिसका गांव में, खेत में, आपके गोडाउन में 800-700 हज़ार में बिकता है, बेच दो। अच्छा जी, आप याद करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बेच दो। अच्छा जी, आप कहेंगे कि सही सलाह दे रहा। अच्छा, आप इस चक्कर में नहीं आना कि उसका 1000 बिक गया तो अब 1500 हो जाएगा। अच्छा, अब 2000 हो जाएगा। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत थैंक यू जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। Thank you.